भैया इस गेम को खरीदना पड़ेगा। क्लैश मुझे इस गेम को खेलने स्टार्ट करने से पहले ही काफी ज्यादा डर लग रहा है। ओए हो बहुत डरावना है। देखा मुझे अभी से ही राइट और लेफ्ट से अलग अलग आवाजें आने लग गई इसके अंदर से। She needs to save her soul. She wants her soul to be out. Do you know where you are? The bridge to Helheim. अबे अबे चल क्या रहा है? She forgets to. Okay. So. Oh my God. जब आप लोग इस गेम को एक्चुअली खेलोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इस गेम में सबसे अजीब चीज क्या होती है कि जब आप हेडफोन लगाते हो तो आपके कान में इधर उधर से राइट लेफ्ट से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, और वो बेसिकली इसी करेक्टर की आवाज़ है। अरे 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 अपना चेहरा दिखाओ मैम। ये जो करेक्टर है ना हमारे गेम की हीरोइन, बेसिकली इन्हीं की आवाज़ है, और इनको एक्चुअली इस गेम के अंदर एक्टिंग करने के लिए एक काफ़ी बड़ा अवार्ड तक मिला है। इंटरेस्टिंग। ओके अरे 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 ओके यहाँ जाना होगा। लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग इस गेम में। बेसिकली ये जो है थोड़ा पजल हॉरर टाइप का गेम है, थोड़ा डरावना भी लग सकता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को फनी भी लग सकता है। पता नहीं क्या होगा इस गेम में। लेट्स सी। अबे चढ़ मेरी माँ चढ़। ओके चढ़ने का ऑप्शन है क्या कोई? अबे भैया घुसा के देखो मत, चढ़ो। ओके गॉट इट। अच्छा हम लोग सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं फाइनली। यार मत बोलो यार, इधर से बाप रे बाप। लिटरली ये जो लेफ्ट राइट से आवाजें आ रही ना, बहुत बहुत अजीब है, बहुत ही ज्यादा। ओ माय गॉड, मतलब आज तक मैंने किसी गेम में ऐसी अजीब सी डरावनी आवाजें नहीं देखी। इंटरेस्टिंग चीज है वैसे ये। आई थिंक ये जो करेक्टर है ना अपने आप से ही बात कर रहा है, तभी ऐसी आवाज आ रही है। अबे उतर ना। ओके भैया गुफाएं। नो दिस इज इट। गुफाएं द हिडन पाथ। नहीं डरावनी गुफाएं। एम एम का मतलब क्या है? माने खट। I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. I'll never let the bastards catch me again. Never. Wait. Who are you? It's just a memory. Truth. Is that you? My tales of the Northmen. They call me Ruth. Liar. He's lost. An old fool. Truth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. To guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell. If I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. Yeah, do me. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. Use your eyes. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Hi, saab, kya hai ye game?
मुझे कुछ लग रहा है कि इस गेम के अंदर ना कुछ आत्मा वगैरह और नर्क वगैरह का चक्कर है भाई। ये तो गेम कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। अरे यार क्या हुआ? ध्यान से कि किस चीज से डर रही है यार? डर किस बात का है माँ? माँ बहन कुछ लगता है कुछ पजल है जो हमें सॉल्व करना होगा, मे बी सम सॉर्ट ऑफ पजल और समथिंग। अबे यार हर जगह MMMMMMM, क्या ये मेरा नाम ले रहे हैं? माने वाओ, ओह माय गॉड, क्या पजल से भरा हुआ। अच्छा ये देखो, ये जो छांव बन रही है ना यहाँ पर एम टाइप के इस लोगों की, जो एकदम एग्जैक्टली वही छांव है जो गेट के ऊपर थी, और ये छांव इससे बन के निकल रही है लकड़ी से। बताओ क्या यार, क्या क्रिएटिविटी निकाली है भाई, तालियां हो जाए इस गेम के लिए। जाओ यार, ये लेफ्ट और राइट से जो बोल रही है ना बार बार, बहुत डरा रहा है मुझे। अब I spent 6 years enslaved in hell, but I watched the Northman. So यहाँ पर मैं अब जब आ गया हूँ तो अब मैं इस बार चढ़ के देखता हूँ क्या होता है। यस चढ़ा। ओके बहुत बढ़िया, यहाँ पर स्पेस है मेरे पास आगे बढ़ने की। लेट्स गो गाइस। लेफ्ट चल थोड़ा सा, लेफ्ट चल चलते जा। अरे यार पार कर ले जल्दी, पार कर ले सेनुआ। यार पहली बात तो देखो, डेवलपर्स ने कितनी ज़्यादा मेहनत करी इस गेम के लिए, मतलब जो आवाज़, जो साउंड इफेक्ट्स वाली चीज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, किसी गेम में नहीं मिलती। वाओ ये क्या है, फोकस करूं इस पे? The world of the dead is ruled by the giantess Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship. And self-slaughter. Are... In all of the 9 worlds, only the world of the dead is ruled by the giantess Hela, daughter of Loki. अरे भैया आप लोग समझे, ये गेम जो नॉर्थ माइथोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, ये जो गेम है एक तरीके से जो क्रेटोस वाला गेम नहीं अपना गॉड ऑफ वार, और जो अवेंजर्स मूवी है थॉर वाली, उन सबसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है इसकी कहानी, क्योंकि ये नॉर्थ माइथोलॉजी के अंदर है गेम। सो भैया देखते हैं क्या करती है लोकी की बेटी। यार क्या बात है, यार मैं तो चौंक गया। ये के अब देखते हैं होता क्या है। The gate to Helheim divides the living from the dead.
अब क्या है इसके अंदर? क्या है? A half-rotten goddess that walks over Helheim. Whatever horrors lie behind. चुप रहना यार, साइड साइड में क्यों बोल रहे? She can do. She must find it. ऑडियो और सब टाइटल्स ऑन. कोई है यहाँ पर? कौन? कोई तो है, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा. अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा. कौन मैं? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं लिया भाई. तो किससे बात कर रही है? मुझे मत देख. किसी और से बात करी, मुझसे नहीं. मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा इसका. ओके, ये क्या है? व्हाट? क्या? भाई साहब, अरे भाई, अरे भाई, ओए मरा यार. मर मर वे मर वे मर 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 तेरी तो नहीं. भाई साहब यार, ये अंधेरा क्यों होते आ रहा है बार बार? और डर लग रहा है. Spread towards her head, the seed of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing.
बीमारी टाइप की है जिसको खत्म करने की कोशिश। द डार्क रॉट विल ग्रो टाइम क्यूब फेल इट दिस रॉट सेनमा सेड हर क्वेस्ट इज ओवर एंड ऑल प्रोग्रेस विल बी व्हाट। ओके तो जितनी बार भी हम लोग हाल द हार्डेस्ट बैटल्स आर फॉट इन द माइंड दैट इज व्हाट डिलियन टोल्ड हर विद एवरी डिफीट द डार्क रॉट विल ग्रो एंड सून इट विल टेक हर सोल। बट फॉर नाउ एट लीस्ट शी स्टिल हैज कंट्रोल ऑफ हर माइंड and she will fulfill her vow whatever the cost. He's not breathing. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. Okay, samjha. बेसिकली क्या है कि इस गेम के अंदर हेला बेसिकली एक्चुअल में हेला जिसका नाम है वो लोकी की बेटी है। लोकी वही थॉर में जो दिखा है लोकी एग्जैक्टली वो वाला लोकी हमने थॉर मूवी के अंदर जो लोकी दिखा है एग्जैक्टली वो वाला लोकी नहीं पर लेकिन जो लोकी का जो करेक्टर है जो हमने अवेंजर्स की मूवी देखा है वो एक तरीके के असली ग्रीक गॉड लोकी से इंस्पायर्ड है और उस लोकी की बेटी क्या कहते हैं इस दरवाजे के पार कैद है और हमें वो दरवाजे को पार करना है और अपने आप को जिंदा करना है। बेसिकली आप देख सकते हैं ये जो सेनुआ हेलब्लेड मतलब हमारी जो करेक्टर है ना सेनुआ उसका जो हाथ है उसका हाथ में कुछ काला काला सा खून से भर रहा है और वो जो चीज है जब वो उसके सर तक पहुंच जाएगी उसकी उसकी जब बॉडी पूरी तरह से इस तरह से काली सी हो जाएगी तब हमारी जो सेनुआ है खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली हमें सेनुआ के हाथों को पूरी तरह से भरने से बचाना है कि वो जो पॉइजन है जो उसके हाथों में फैल रहा है वो उसके शरीर तक पूरे दिमाग तक ना पहुंच जाए। सो लेट्स प्ले द गेम। ओके तो देखते हैं अभी क्या करना है। चल देखते हैं पहले ये दरवाजा खुल सकता है कि नहीं। Hunts his prey. Okay, so basically, जैसा कि हमने इसके अंदर देखा था ना illusion वाली चीज वो ऐसे Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. हमें किसी वलरावन को मार रहे हैं क्या? चलो देखते हैं यार। आ जा बे वलरावन। वलरावण अही रावण वगैरह बहुत सुना था रावण सुना था पर ये वलरावण क्या है रे? Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Interesting. Sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice, Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. बहुत सारी हिस्ट्री लगता है इस गेम के अंदर। मतलब हिस्ट्री क्या माइथोलॉजी
जैसे कि अपनी इंडियन माइथोलॉजी होती है वैसे ये गेम जो है नॉर्थ माइथोलॉजी से भरा पड़ा है। आई होप यार कोई नॉर्थ माइथोलॉजी पे भी इतना अच्छा गेम वो इंडियन वैसे कोई इंडियन माइथोलॉजी पे भी इतना बढ़िया गेम बनाया तो मजा आ जाएगा। वाओ चलो आगे बढ़ो सेनवा आगे बढ़ो। फोकस किस चीज पे फोकस यार जब मैं फोकस बोलती रहती फोकस हो जाता है मेरा दिमाग। ओके यहाँ पर फोकस करना है। डोंट ओके समझा। तो ये जो वल रावण है इसको ढूंढने के लिए हमें सच्चा रास्ता ढूंढना पड़ेगा और गलत रास्ते पे नहीं जाना होगा। बहुत बढ़िया। बेसिकली क्या है कि इस लड़की को बहुत सारे अजीब अजीब इल्यूजन्स होते हैं और हमें ध्यान रखना है कि हम लोग गलत इल्यूजन के चक्कर में जो है गलत जगह उसे ना पकड़ने चले जाएं। थक्का दे यार कौन बोलता है साइड साइड से बार बार एक्चुअली हुआ क्या यार मैं यहीं से आया यहीं वापस आ गया समझा नहीं मैं इस चीज को। We'll want to see behind the veil, don't we? Let's see क्या करना है हमें। Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend that the soul was never really there. Okay. वेट हमें करना क्या है? अरे करना क्या है यार? यानी ये एक पहेली है। ओके सो हमें पहेली को सॉल्व करना है। एंड अब मुझे पहेली ढूंढनी है। पहेली कहाँ है? जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी हंसाए कभी रुलाए। तो अभी तक तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि इस गेम में आगे आखिर करना क्या है। तो ये जो रिडल है हम लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं पोस्टपोन्ड अगले वीडियो के लिए। प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट मारिए कि क्या आपको पार्ट टू चाहिए सेनवा हेलब्रेड का जिसके अंदर हम लोग पूरी करें इस रहस्यमय लड़के की रहस्यमय कहानी। सो दिस इज योर फ्रेंड।